की बात आई। दूसरे पक्ष हमारे अध्यक्ष जी नगर परिषद गुड्डू मंडल जी जिनको जेल ले जाया गया, उनकी बातें नहीं आ पाई। केस दोनों तरफ से हुआ था, अगर चाहते तो हम वहां बैठकर इसको सुलझा सकते थे, लेकिन यहां के नेता जो अपने आप को बड़ा करते हैं, उन्होंने इसे सुलझाने के बजाय और आग लगाने का। और सबसे बड़ी बात जो दुखद घटना घटा जितेंद्र कुमार मंडल के साथ, ये घटना दोबारा हम लोग घटने नहीं देंगे, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय काम। पार्टी देश और राज्य में बिल्कुल अघोषित आपातकाल लगा रखी है। लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्यपालिका होती है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी राज्यपालिका के प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोंट रही है। कहीं सीबीआई का दुरुपयोग करती है, कहीं ईडी का दुरुपयोग करती है, और कहीं पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती है, और कहीं प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करती है। और मैं कह सकता हूं कि गुड्डा की दो घटना उसी का पाठ है, चाहे वो प्रमुख साहब के साथ वीडियो की घटना हो या फिर जितेंद्र मंडल उर्फ गुड्डू मंडल के साथ कल की घटना हो। वही सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है शासन चलाने के लिए। लोकतंत्र मर जाएगा जिस दिन दोनों पक्ष नहीं होगा। विपक्ष ही तो जनता की आवाज होती है कि जनता की कमी को, जनता की बातों को सरकार के सामने लाने का। ये पहली सरकार है जो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती है। जो जीत करके आएगा विपक्ष से, उनको या तो मुकदमों में फंसाएगा या तो फिर पैसों देकर के अपने पाले में करने का प्रयास करेगा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 6 विधायक को 11 करोड़ में खरीद लिया, और देने की बात थी, जब नहीं दिया तो बात सामने आ गई। और जो लोग उनके पाले में नहीं जानते उनके ऊपर FIR करता है, उनके यहाँ CBI का छापा मरवाता है, ED का छापा मरवाता है। और जिस प्रकार से कल की घटना हुई, वही यह साफ था कि वहां एक जमीन का भी विवाद है, और बिल्कुल कोर्ट के आदेश है, उस कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मेरे पास है, बिल्कुल अनुमंडलाधिकारी के आदेश की कॉपी, जिसमें ये बातें स्पष्ट है कि जो जमीन का विवाद है गोड़ी में, उस जमीन पर बिना अंचलाधिकारी का कोई काम नहीं होना है, तो बिना आदेश का फिर क्यों काम हो रहा था। और नगर अध्यक्ष होने के नाते गुड्डू मंडल ने, जितेंद्र मंडल ने अपनी भूमिका निभाई, तो उल्टे अपना सर फोड़ के उनको केस में फंसाना, और ये गहरा साजिश है। और वो सांसद दुबे जी के बयान से पूरी बातें स्पष्ट हुई है। वो चाहता है कि भाई हमारा विपक्ष यहाँ जीता है तो उसको किसी न किसी प्रकार मुकदमे में फंसा के फिर से यहाँ चुनाव कराए, जो मनसा उन्होंने अखबारों में स्पष्ट कर दिए। इस बार चुनाव हुआ, गुड्डू मंडल तो उस बार कम वोट से जीता है। इस बार तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा प्रतिपक्ष गुड्डू मंडल के साथ खड़ा होगा। जरा औकात है तो दुबे जी यहाँ नगर पालिका का चुनाव लड़के देख ले, उससे दुगुना वोट से वो जीतेगा, दावे के साथ कहता हूँ। और फिर प्रमुख साहब इतने सज्जन आदमी, हमें लगता है कि अगर 10 प्रमुख हैं इस जिले में तो सबसे सज्जन, सबसे सौम्य विचार के महागामा के प्रमुख साहब हैं। अपने से वीडियो ने सारे करतूतों को किया, और हमने तो इतनी ही मांग की है यहाँ के प्रशासन से, सरकार से, कि भाई तुम उस दिन का जो CCTV कैमरा के जो फुटेज है उसकी जांच करो। तो कहता है ना, मैं CCTV कैमरा मेरा बंद था। क्यों बंद था? एक साजिश के तहत बंद नहीं था, बंद की भी जांच करूं कि कितने समय से बंद था, उसकी जांच नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि जैसे ही जांच करेगा वीडियो के ऊपर FIR सही साबित होगा। और हम तो इस दोनों विषय को, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह से कल हाथ में हथकड़ी लगाया गया, भाई कोई अपराधी तो वो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल रूलिंग है,
कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति पर आप हथकड़ी नहीं लगा सकते जो ऐसे अपराध में संलिप्त हो जिनके भागने की संभावना हो। गुड्डू मंडल स्वयं चल के आया था थाने में, उनकी भागने की क्या संभावना थी, फिर भी आपने हाथ में हथकड़ी लगा दिया। ये तमाम चीज यानी प्रतिपक्ष का जनता की आवाज को दबाने का नमूना है और आज हम उसी लिए संघर्षरत हैं। और जहां तक प्रमुख साहब का सवाल है, इस दोनों विषय को हम विधानसभा में पूरे प्रतिपक्ष के साथ सरकार के सामने रखेंगे और बिल्कुल उस वीडियो की बर्खास्तगी होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने उसको हथकड़ी लगाया है, जिस पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी ने, उसकी भी बर्खास्तगी होनी चाहिए। कि एक जनप्रतिनिधि का अपमान है और बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसलिए इस आंदोलन को हम सबों ने प्रारंभ किया है और ये आंदोलन और तेज होगा। अभी तो 2 दिनों के लिए हम सब बैठे हैं, अगर इसके बाद भी बात ना मनी तो यह आंदोलन और तेज होगा और पूरी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासनिक महकमे की होगी। यही बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। और आज पूरे नगर के तमाम पार्षद मेरे पास मिले थे, आज वो लोग सड़क पर उतर रहा है। हमने कहा आपके साथ पूरा प्रतिपक्ष है, जिस दिन हम सबकी जरूरत होगी आप कह देना, पूरा प्रतिपक्ष उस गुड्डू मंडल के पक्ष में सड़क पर उतरेगा। इतनी ही बात कहते हुए आप सबको बहुत